सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे सीईजी गोइंडी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गोइंडी की। तो सीईजी गोइंडी हमारे अन्ना यूनिवर्सिटी के टोटल चार कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में से एक कॉलेज है। अगर चारों के नाम मैं शुरू में ही बता दूं तो सबसे पहला है आपका सीईजी गोइंडी, अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जिसमें पहले तीन आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और इन तीनों में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, कौन ज्यादा बेटर, किस मामले में, सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे और इन तीनों के ऊपर ही डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो आ रहा होगा। फिलहाल अगर हम बात कर ले सीजी गुंडी के बारे में, तो सीजी गुंडी हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1794 में। अगर बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो जो एनआईआरएफ रैंकिंग अन्ना यूनिवर्सिटी का है, वही इनके सभी इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी है सभी के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग रहने वाला है। अब यहां सभी का मतलब वो सभी नहीं होंगे जो जस्ट अफिलिएटेड है, लेकिन इनके खुद के चार पर्सनल कॉलेजेस है पर्सनल लेवल पर, जो इनके खुद के कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस है उनका नाम मैंने बता दिया। तो इन सभी के लिए एक सेम एनआरएफ रैंकिंग होता है। तो अन्ना यूनिवर्सिटी का एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग 2023 में 13 मिला था, तो वही एनआरएफ रैंकिंग हमारे सीजी गोइंडी के लिए भी रहने वाला है। और जितने भी हमारे और कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हो गए लाइक एमआईटी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एसीटी अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, हर कॉलेज रिव्यू कर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इतमान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो अगेन एक छोटा सा फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि अन्ना यूनिवर्सिटी हमारे तीनों इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक कंबाइंड एनआरएफ रिपोर्ट सबमिट करता है एनआरएफ के पास। तो हमारे पास 2024 का एनआरएफ रिपोर्ट है जो अन्ना यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग को लेकर एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस 2024 के एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें 2023 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, इसके हिसाब से 2023 में टोटल 961 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 1593 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल लगभग जो प्लेसमेंट परसेंटेज होता है 80-81% के बीच में रहता है, जो कि काफी बढ़िया प्लेसमेंट परसेंटेज बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पर आपको कोर के ब्रांचेस जिसे आप कहते हो लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस है, कुछ आपके नॉन ट्रेडिशनल नॉन मेनस्ट्रीम ब्रांचेस भी है लाइक आपके बायोटेक, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, इस प्रकार के बहुत सारे ब्रांचेस है, जिसके वजह से थोड़ा सा आपका प्लेसमेंट परसेंटेज हो गया मीडियम सैलरी एवरेज पैकेज थोड़ा गिरता है। और वहीं कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस की वजह से मीडियम पैकेज प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा उठता है। तो उस हिसाब से ठीक ठाक प्लेसमेंट परसेंटेज है। और अगर बात कर ले मीडियम सैलरी की, तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर इन तीनों ही कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस एमआईटी, सीईजी और एसीटी तीनों को ही मिलाकर 7.5 एलपीए का मीडियम सैलरी हमें देखने को मिला है। अब कंप्यूटर साइंस के लिए इससे थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, चाहे आप मीडियम सैलरी की बात कर रहे हो या फिर आप प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें, और बाकी सारे जो हमारे कोर ब्रांचेस या फिर नॉन मेनस्ट्रीम ब्रांचेस जो जितने भी हो गए इन सभी का थोड़ा कम कर लीजिए, तो इसी प्रकार का हमारा कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहा होगा। मतलब डिसेंट ठीक ठाक प्लेसमेंट हमें देखने को मिल जाता है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप क्लास 12 का एग्जाम दे रहे होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है, जिसमें 45% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स। इसी के साथ ही साथ आप क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें आपका क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट रैंक लिस्ट निकलता है, जिसमें जितने भी हमारे तमिलनाडु स्टूडेंट्स हो गए यानी कि होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स हो गए, वो TNEA काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। TNEA अगेन बता दिया। और जितने भी अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो अन्ना यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास सीजी गोइंडी 2023 जनरल स्टूडेंट राउंड वन के क्लोजिंग रैंक कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग राउंड वन में क्लोज हुआ था 32 रैंक पर। और वहीं अगर बात कर ले अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स की, तो 170 रैंक पर, और बाकी सारे आप देख पा रहे हो। इसी प्रकार अगर हम बात कर ले लाइक एसएस का, जो मतलब है आपके सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स है जिसका थोड़ा सा ज्यादा ऊपर कट ऑफ जाता है क्योंकि इसके फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं, बस यही सारी कुछ चीजें हैं, गवर्नमेंट फंडेड नहीं होता। अब अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अगर इन टोटल बात कर ले तो सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स का थोड़ा सा ज्यादा फी स्ट्रक्चर बन जाता है, और वहीं नॉन सेल्फ सस्टेनिंग जो कोर्सेज हो गए नॉर्मल कोर्सेज उनका थोड़ा कम फी स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन मोटा मोटी अगर सभी के बारे में बात कर ले, तो 4 साल का बीटेक फी इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 3.5 से 4 लाख के बीच में लगने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा सीईजी गोइंडी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गोइंडी, आपके चेन्नई तमिलनाडु में 223 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से सिचुएटेड है। थोड़ा सा पुराना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, जैसा आपने देखा 1794 का हमारा कॉलेज है, लेकिन अपने जो प्रेजेंट कैंपस में 1920 में शिफ्ट हुए थे, जो कि फिर भी काफी पुराना होता है। तो आपको कुछ बिल्डिंग्स पुराने देखेंगे, लेकिन बाकी सारे बिल्डिंग्स कुछ नए बने हैं, कुछ रेनोवेटेड है,
तो ओवरऑल आपको बढ़िया कैंपस देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जितना पुराना है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा होगा। ग्रीनरी काफी बढ़िया है, कैंपस मेंटेनेंस काफी बढ़िया है, क्लीनलीनेस बढ़िया है, और ऐसा नहीं है कि लाइक आप आईआईटी या फिर बिट्स पिलानी, वीआईटी वेलोर जैसे बहुत एक्सटेंसिव साइज का चमकते धमकते बहुत कुछ, मतलब हर प्रकार से फैसिलिटीज लैस इस प्रकार का कैंपस नहीं होगा, लेकिन डिसेंट है, बढ़िया है, एक अच्छा कॉलेज लाइफ कटने वाला है। यानी कहीं भी आप कैंपस को देखकर कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, ये नहीं है वो नहीं है, बढ़िया आपको कॉलेज लाइफ देखने को मिल रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जेगरेटेड कैंपस नहीं है। इसी के साथ अगर बात कर ले हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो आपको 4 सीटर रूम देखने को मिलते हैं, और मेस का खाना अगर बात कर ले तो स्टूडेंट्स को किन्हीं को एवरेज मेस का खाना लगता है, तो कुछ लोगों को मेस के खाने से तकलीफ है, जो कि हर एक एवरेज मेस की तरह हो रहा होता है। यानी कि हम बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जिनके ही मेस के खाने की अगर हम बात करते हैं, बढ़िया मेस का खाना है, वहां भी हम घर के खाने होटल रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर जिसे हम एवरेज कह रहे हैं उसकी क्वालिटी आप सोच ही सकते हो। और ये कोई नया बात नहीं है, लगभग हर एक एवरेज कॉलेज में आपको इसी प्रकार का एवरेज मेस देखने को मिल रहा होगा, जिसमें डिसेंट होता है, काम चला होता है, तबीयत नहीं खराब होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्ट भी नहीं आ रहा होगा, इसी प्रकार का मेस का खाना देखने को मिलता है। अगर आपको बढ़िया मेस का खाना देखने को मिल रहा है तब आप लकी हो, लेकिन नॉर्मली हमें एवरेज मेस का खाना ही देखने को मिल रहा होता है। बात कर लेकर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो हर एक छोटे से बड़े आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगे, जितने मेजर वाले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होते हैं सभी चीजें अवेलेबल हैं, यानी कि कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जहां पर हम कुछ कंप्लेन कर दे, लेकिन कहीं ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आ जा रहा हो, मतलब एक बढ़िया डिसेंट कॉलेज लाइफ मिल जाएगा। और जहां अभी अगर आपको इमेज आना चालू हुआ हो कि डिसेंट कॉलेज लाइफ मतलब बढ़िया भी नहीं खराब भी नहीं, तो मूवीज जैसा होगा, जैसा मूवी में होता, तो वैसा नहीं होता। मूवी में कहीं कुछ ज्यादा एग्जेगरेटेड होता है, शायद ही जो मूवी में हमें दिखाया जाता है कॉलेज लाइफ, शायद ही कहीं देखने को मिले, मैंने अभी तक देखा नहीं है। हाँ, कहीं आपको दिल्ली गुड़गांव साइड के कुछ कॉलेजेस में देखने को मिल जाए वैसा कॉलेज लाइफ, लेकिन यूजुअली वैसा कॉलेज लाइफ नहीं होता है। अब अगर बात कर ले हमारे टेक्निकल कल्चरल फेस्ट इवेंट्स की, तो ये भी काफी बढ़िया तरीके से होते हैं, लेकिन वही बात है, आप आईआईटी लेवल पे अज्यूम नहीं कर सकते, और खासकर आईआईटी बॉम्बे से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एशिया का बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट करवा रहा होता है आईआईटी बॉम्बे, और जितने भी बाकी सारे आईआईटीज भी हो गए, एशिया का बिगेस्ट नहीं लेकिन काफी तगड़े लेवल पर होते हैं जितने भी आईआईटीज एनआईटीज हो गए, कुछ आपके टॉप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, तो बढ़िया होगा यहाँ पर भी, आपके अन्ना यूनिवर्सिटी में भी बढ़िया ही होगा, सीजी गुंडी में, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं होता है। अगर हम एशिया के बारे में कुछ स्टेटिस्टिक्स डिस्कस करी है, तो आपको बता दूं कि सीजी गुंडी हमारे ऑल ओवर एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, और आउट ऑफ यूरोप, यूरोप के बाहर भी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज माना जा रहा होता है। लेकिन 1784 में एज अ स्कूल ऑफ सर्विस स्थित हुए थे, और पहला इंजीनियरिंग कोर्स इनमें 1858 में सिविल इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 1859 में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद आप देख रहे हो आज के डेट में आपको कंप्यूटर साइंस, जो भी हमारे आज के नए नए कोर्सेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल जितने भी कोर्सेज है, जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज है, वो सारी चीजें हमें सीजी गुंडी में देखने को मिलती है। इवन आपको एमआईटी चेन्नई, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आपको मेन स्ट्रीम कोर्सेज ही देखने को मिलेंगे, लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन, रबर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। लेकिन वही अगर बात कर ले एसीटी की, अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो इसमें आपको मेनली जो नॉन मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं वो सारे देखने को मिलते हैं, लाइक एपरल टेक्नोलॉजी, सेरेमिक, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये सारे नॉन मेन स्ट्रीम कोर्सेज हमारे एसीटी में है। तो हम डायरेक्टली एसीटी वर्सेस एमआईटी और सीजी तो नहीं कर सकते, मतलब दोनों ही अपने जगह अलग कोर्सेज है, तो बढ़िया है, दोनों ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर बात कर ले कॉलेज लाइफ की, तो आपको बेटर कॉलेज लाइफ जितना मैंने अभी स्टूडेंट्स से सुना है, अगर सीजी और एमआईटी में कंपेयर कर रहा, तो एमआईटी में ज्यादा बेटर कॉलेज लाइफ देखने को मिल रहा होता है। हालांकि सीजी का कैंपस एरिया ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पुराना है, रिसर्च लैब्स ज्यादा बड़े हैं, लेकिन बढ़िया रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमें स्टूडेंट्स ने बताया एमआईटी में देखने को मिलते थे। एमआईटी मतलब हमारा मैसेच्यूट्स नहीं, यहाँ एमआईटी का मतलब है हमारा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार का कुछ कंपैरिजन है, मतलब लगभग प्लेसमेंट के टर्म्स में तीनों ही अपने अपने जगह लगभग बराबर ही हो रहे होते हैं, क्योंकि देखिए एसीटी में तो कोर्सेज ही अलग टाइप के हैं, लेकिन वहीं अगर बात कर ले एमआईटी और सीईजी में, जिसमें सिमिलर कोर्सेज हैं, तो इनमें प्लेसमेंट्स लगभग बराबर ही देखने को मिलते हैं, और कॉलेज लाइफ का कुछ ज्यादा बड़ा एमआईटी में देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं रिसर्च लैब्स हो गए या फिर कैंपस साइज हो गए, ये सारी चीजें आपको सीजी में ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगी, और एमआईटी में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स ने बताया कि थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल रहा होता है। और एसीटी तो अलग ही टाइप है, लाइक कोर्सेज इसमें अलग तरीके के हैं, लेकिन अगर ओवरऑल कॉलेज लाइफ की बात करें तो ठीक ठाक, हम लगभग हमें तीनों में लगभग सिमिलर कॉलेजेस हैं। अगर बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो सीजी गुंडी से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन, 11 किलोमीटर दूर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट 11 किलोमीटर दूर है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
यही सारी कुछ चीजें थी हमारे सीईजी गुंडी को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट सीईजी गुंडी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या आज के इस वीडियो मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।